हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर बीइंग लेट, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं लाइव नहीं जा पा रहा था। अभी सब कुछ सही है, बस एक चीज़ बता दीजिए, आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? ऑल क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, हम ऑलरेडी 16 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, किसके? एमपीजीके के एमसीक्यूज के। आज हम 17 पार्ट करने जा रहे हैं, 17वां भाग जो है वो करने जा रहे हैं। 17 पार्ट करने शुरू करने से पहले, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली मिल पाए। इस पर अनअकैडमी की चाहे फ्री स्पेशल क्लासेस हो, पीडीएफ्स हो, या यूट्यूब की क्लासेस हो, सारी क्लासेस की लिंक आपको इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जो आपको जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज आप टेलीग्राम पर अंशुल तिवारी अनअकैडमी सर्च कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, फिर आज लास्ट डे है दोस्तों, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है, अंतिम दिवस है जिस पर यह ऑफर चल रहा है। कल से ऑफर बंद हो जाएगा। और ये ऑफर क्या है, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक साल पर एक साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त, है ना, वन ईयर पर वन ईयर मुफ्त, ये अभी तक चल रहा था। एक और हम ऑफर लाए हैं जिसमें आपको क्या मिल रहा है, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जा रहा है। अब जब भी आपको तैयारी करनी हो, आपको इससे अच्छा मोटिवेशन और कुछ नहीं मिलेगा कि भाई एमपीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो अभी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, या आपको मेंस देना है, या आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है, तो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। ये आज आखिरी दिन है ऑफर का, जिसमें आपको एक वर्ष पर एक वर्ष का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है, और 6 महीने वाले पर 3 महीने का। इसमें ये कोड जो है ये आप लगा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा जो ऑफ जो है वो मिल जाएगा, एक वर्ष पर एक वर्ष या 6 महीने पर 3 महीने। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है, तो आप, मैं और शुभम सर दोनों के लेके आए हैं एक नया कोर्स आप लोगों के लिए, एमपीजीके का, मात्र ₹299 में, 299 में। इसमें भी जब आप ये कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स मिलेगा, 120 से ज्यादा घंटे की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन हिस्ट्री का भी एक कोर्स मैं लेके आया हूँ, ₹399 में है। इसमें भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा जब आप ये कोड लगाएंगे। इसमें एंशियंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, तीनों के तीनों ही जो है वो कंप्लीट कराए गए हैं। 120 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलेंगी, और वो भी बाइलिंगुअल, मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना हो, एमबी पढ़ना हो, पीएससी का पूरी तैयारी करनी हो, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं। हमसे पढ़ने के बाद में आपको बुक्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, नोट्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि रिविजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, हर चीज जो है क्रिस्टल क्लियर आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर समझाई जाती है। अब शुरू कर रहे हैं आज की कहानी। पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। आज फिर से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करी है, मजा आएगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, है ना, करंट से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। महाकाल लोक आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, भव्य देवी लोक मैयर में देखने को मिलेगा, वनवासी राम लोक चित्रकूट में देखने को मिलेगा, और राम राजा लोक जो है ओरछा में देखने को मिलेगा। आपको बताना है इनमें से गलत मेल क्या है, इनकरेक्ट वाला जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बताओ भाई फटाफट, बी और सी और डी, तीन भाई ऑप्शन तो आ गए हैं, महाकाल लोक को छोड़कर बाकी सारे तो आपने लगा ही दिए हैं। चलिए बी सी डी, बी सी डी, चलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। महाकाल लोक पर तो अभी एक बेहतरीन सा गीत भी आया है, जो शान साहब ने गाया है, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और एक और शंकर महादेवन साहब ने, कैलाश खेर साहब ने गाया है, बहुत ही बेहतरीन गाना। बिल्कुल सही, जिनका आंसर भी बी आया है बिल्कुल सही जवाब है, जिनका आंसर सी और डी है बिल्कुल गलत है। भाई ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो लिख लेना, ये तो सभी को पता है, पर वनवासी राम लोक कहाँ बन रहा है, चित्रकूट में, और राम राजा लोक कहाँ पर है, ओरछा में आपको देखने को मिलेगा। ये जो भव्य देवी लोक है ये कहाँ पर आता है, ये आता है सलकनपुर में, कहाँ पर आता है, सलकनपुर वाली माता जो है वहां पर बनाया जा रहा है, और क्या बनाया जा रहा है, भव्य देवी लोक जो है बनाया जा रहा है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि सलकनपुर जो है वो किस जिले में आता है ना, आप फटाफट कमेंट करके बता दो, सलकनपुर जो है वो किस जिले में आता है, कमेंट करके बता दो, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही, कहां पर आता है सलकनपुर, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, सीहोर जिले में देखने को मिलेगा, कहां पर,
सीहोर जिले के अंतर्गत आपको सलकनपुर देखने को मिलता है। देवी जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य सा मंदिर है और इसी को और अच्छा बना दिया गया है, जबरदस्त बना दिया गया और नाम दिया है भव्य देवी लोक। तो महाकाल लोक उज्जैन में, भव्य देवी लोक मैयर में, वनवासी राम लोक जो है चित्रकूट में, और राम राजा लोक आपको ओरछा में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, नहीं पता हो तो लिखते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। अगला क्वेश्चन है सांस, है ना, सांस बहु वाला नहीं, वो जो आप सांस लेते हैं वो वाली सांस से संबंध है शायद इसका। आपको बताना है सांस अभियान का उद्देश्य जो है वो किससे है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सांस कैंपेन? टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर में कमी लेके आना, इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, कोरोना काल में मास्क का वितरण करना। या मोटिवेटिंग फॉर कोरोना वैक्सीन, कि भाई सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए प्रेरित करना। ये सांस, ये मेंस का क्वेश्चन बना है, यहां से सांस से मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ जरा ये सांस कैंपेन जो है इसका संबंध जो है वो किससे है। अच्छा, ये कहां से चालू हुआ था कोई बता सकता है? ये जो सांस कैंपेन है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से चालू किया गया था? बिल्कुल सही, जिनका आंसर भी शिशु मृत्यु दर है। देखिए शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश की रैंक अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है ना, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा जो शिशु है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम दिया गया है सांस। अब ये जो सांस अभियान है ये कब चलाया गया था दोस्तों? 5 फरवरी 2021 से अभियान चालू करा गया था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस जिले से अभियान को चालू किया गया था, तो कोई बता सकता है किस जिले से चालू किया गया था? भिंड से, भोपाल से। हाँ भाई, और कोई बताओ? दो ही लोगों के आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर है भोपाल, है ना। भोपाल से सांस अभियान का जो है वो शुरू किया गया था। अब ये सांस अभियान है क्या, तो हमने जो देखा है वो बेसिकली आप देखेंगे शिशु मृत्यु दर में एक सबसे बड़ी बीमारी रहती है जिसे हम कहते हैं निमोनिया। तो निमोनिया को रोकने के लिए ही ये सांस अभियान चालू किया गया था। और इस सांस अभियान का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये है सांस, है ना। सोशल अवेयरनेस मतलब क्या हुआ? सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। किसकी? सामाजिक जागरूकता फैलाने की बात कही गई है और कुछ एक्शंस लेने की बात करी गई है, है ना, कुछ कार्य करने की बात करी गई है ताकि जो निमोनिया नाम की बीमारी जो हो जाती है शिशुओं को, जो निमोनिया नाम की बीमारी हो जाती है उसमें उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इस समस्या से निजात जो है वो पाया जा सके। अब होता क्या है, जब शिशु का जन्म होता है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी चीज पर जागरूकता, जैसे आपने देखा होगा कि भाई भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार माँ के दूध के लिए बहुत ज़्यादा कहती है कि भाई शिशु को सबसे पहले माँ का पीला गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए, वो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भी इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, वैसे ही इस निमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए मध्य प्रदेश ने सांस कैंपेन लेके आए हैं। भोपाल में 5 फरवरी 2021 से चालू किया गया था और ये देखा जा रहा था कि शिशुओं की डेथ जो है निमोनिया के कारण हो रही थी, तो इसी के लिए एक सामाजिक जागरूकता का अभियान जो है वो चलाया गया है। तो विशेष विशेष तौर से इसका ध्यान रखिएगा अगर आपको आइडिया नहीं है तो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करंट से ही रिलेट कर रहा है। 30 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले के को चिन्नौर चावल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए? ऑन सितंबर 30, 2021 मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिन्नौर हैज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बीन रिसीव्ड फॉर राइस। थोड़ा सा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत हुआ है, ठीक है, आपको बस ये बताना है जीआई टैग जो है चिन्नौर चावल को मिला है वो कौन सा जिला है, मंडला, बालाघाट, रतलाम या भोपाल? लड्डू क्वेश्चन है एकदम, मैंने आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी लिखवा दिए हैं, जीआई टैग भी अनअकैडमी के प्लस पर सारे के सारे लिखवा दिए हैं, है ना। अब चावल में भी अलग अलग टाइप आते हैं, बासमती चावल आता है, चिन्नौर चावल आता है, टुकड़ा चावल आता है, ऐसे बहुत सारे चावल, काली मूंछ चावल आता है। तो भाई ये जो चिन्नौर चावल है इसको जीआई टैग किसको मिला है, तो बालाघाट जिले को चिन्नौर टैग मिला है। अब चिन्नौर के लिए जीआई टैग मिला है। अब एक चीज और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई और किसने दावेदारी करी थी जीआई टैग की? चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट को मिल गया, लेकिन कंपटीशन में कौन सा था, कंपटीशन में कौन था? ये एग्रीकल्चर का, ये भी जब तक मैं बता देता हूँ, चिन्नौर चावल जो है ना ये कृषि एग्रीकल्चर के परसेप्शन से आप देखेंगे, ये जो चिन्नौर राइस है ना ये क्या है, एग्रीकल्चर के परसेप्शन से मध्य प्रदेश को पहला मिला है, कृषि के क्षेत्र में पहला जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को, है ना, एग्रीकल्चर में पहला मिला है मध्य प्रदेश को, ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें कौन था, महाराष्ट्र जो है वो कंपटीशन कर रहा था जीआई टैग के लिए इसके साथ में, मध्य प्रदेश के बालाघाट के साथ में, महाराष्ट्र की जगह बालाघाट को दिया गया है। बालाघाट जिसको हम हमारा राइस कैपिटल भी कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में चावल उत्पन्न होता है। बालाघाट जिसको आप जानते हैं कि भाई ये दो जगह से बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर से
छत्तीसगढ़ से भी बाउंड्री शेयर करता है और इस साइड से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालाघाट से क्वेश्चन आता ही है। आपको पता होगा बालाघाट में ही आपको भारवेली माइंस और ये सारी चीजें मिलती हैं। बालाघाट को मैं आपको अनअकैडमी के प्लस पर बहुत बता चुका हूं कि भाई ये बालाघाट जो जिला है ना, इसकी लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि आपकी एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बालाघाट को विशेष तौर पर अच्छे से पढ़ के जाना, और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो वो एमपीजीके का जो कोर्स मैंने आपको बताया 299 वाला वो ले लेना, उसमें सब कुछ बताया है, एक एक छोटी बड़ी चीज बताई है। ठीक है, महाराज बासमती के लिए, बासमती कहाँ होता महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बालाघाट मध्य प्रदेश के लिए। चलिए देखिए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र का पहला जीआई टैग जो है वो मिला है 2021 को, चिन्नौर बालाघाट जिले को मिला है जीआई टैग। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। विच, ये तो लिख लो भाई, ये लिख लो, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ये पीएससी प्रीलिम्स में आने के पुरजोर चांसेस रहेंगे। विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल एंड अ कल्चरल हेरिटेज बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली। भगोरिया उत्सव, भगोरिया फेस्टिवल, कर्मा नृत्य, कर्मा डांस, सेला नृत्य, सेला डांस, या देशोला बोंगा, देशोला बोंगा। बताओ बताओ बताओ, मामा गए थे अभी और घोषणा करके आए थे सारी बातों की, तो आपको बताना है कि भाई ये मामा ने कहां पर करी थी घोषणा, मतलब किस पर्व को लेकर करी थी। अरे क्या बात है, करंट पढ़ने लग गए, मतलब ऐसे बाबू, मतलब पढ़ाई चालू है जोर शोर से, बिल्कुल सही। अभी अभी की बात है यार, अभी की बात है, 6 मार्च 2023 को मामा ने बोला है ये, है ना। 6 मार्च 2023 को शिवराज सिंह चौहान साहब द्वारा क्या किया गया है, घोषणा करी गई है किस चीज के लिए, कि भगोरिया पर्व हमारा एक राजकीय पर्व है और सांस्कृतिक धरोहर है। भगोरिया फेस्टिवल का किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति के द्वारा भगोरिया फेस्टिवल मनाया जाता है, है ना। भील जनजाति कहाँ पर रहती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भील जनजाति जो है वो रहती है, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भगोरिया पर्व कहाँ का फेमस है, तो सबसे ज्यादा भगोरिया पर्व जो है वो झाबुआ का फेमस है। अगर अलीराजपुर भी ऐसे देंगे ऑप्शन में, वो अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, तो याद रखिएगा झाबुआ का भगोरिया उत्सव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगोरिया उत्सव कितने दिन का होता है, तो 7 दिन का भगोरिया उत्सव जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 3 तरह के फंक्शन होते हैं। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं उजाड़िया, गोल गधेड़ो और भगोरिया की, है ना। तो ये सब कुछ मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है, है ना। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है रोज आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर प्लस मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज दोनों पढ़ाऊंगा। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट वाटर कॉलम बीन एस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश, हनुवंतिया टापू, पचमढ़ी, उज्जैन या भेड़ाघाट। हाँ, गुलालिया, गोल गदेड़ो और उजाड़िया, 3 होते हैं। हाँ भाई, हाँ आओ मार्केट में आओ जानी, तुम्हें दुनिया दिखाएं। चलिए, हनुवंतिया टापू लगा रही है जनता, और फिर एक ऑप्शन आया है डी, डी बोले तो भेड़ाघाट। चलिए अब आया सी, क्या हुआ, अब बी भी आ गया, पचमढ़ी, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या लगाए। आंसर क्या है, आंसर है बेटा इसका सी, आंसर क्या है, आंसर है इसका सी, इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस। ध्यान से सुनना आप पूरी कहानी को, इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया था, अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन किया गया था। कब से कब तक किया गया था, 27 से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक किया गया था। 27 से 29 दिसंबर 2022 तक क्या किया गया था, इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर हुई थी, उज्जैन में हुई थी ये इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस हुई, अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ 27 से 29 दिसंबर 2020 तक, उसमें ही क्या किया गया है, उज्जैन में एक जल स्तंभ जो है वो खड़ा किया गया है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जल स्तंभ की हाइट कितनी है, पर जब इसी में कच्चा खा रहे हो तो जल स्तंभ की हाइट बता पाओगे क्या, तो शायद थोड़ा मुश्किल है। आंसर क्या है, आंसर है इसका जल स्तंभ कितने फीट का है, 13 फीट का ये जल स्तंभ बनाया गया है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, जल स्तंभ जो उज्जैन में लगाया गया है 13 फीट का लगाया गया है, इसमें क्या चीजों को उकेरा गया है, इसमें क्या चीजें दिखाई गई है, तो इसमें चारों वेद जो है, है ना, इसमें क्या दिखाए गए हैं, चारों वेद जो है उनके, उनको जो है वो इस पर दर्शाया गया है। चारों वेद के जो हाइम्स होते हैं ना, जो
इन सुक्तियां जो होती है उनको इस पर दर्शाया गया है। तो विशेष विशेष तौर से ध्यान रखना कि भाई पहला प्रदेश का वाटर कॉलम कहां स्टैब्लिश हुआ है, उज्जैन में स्टैब्लिश हुआ है। क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई ये सारी कहानी। क्लियर, अब मैंने क्या कहा, आप दुनिया जहान में करंट अफेयर पढ़ लो, मेरा करंट अफेयर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा टिप टॉप वाला यार, हाँ ये तो पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारा है, ये तो महासागर है। लेकिन एग्जाम में क्या आता है ना, वो क्वेश्चन में सोच समझ के डिसाइड करता हूँ कि यार ये क्वेश्चन करंट अफेयर में बिल्कुल पूछा जा सकता है और आपको खुद को फील आएगा, आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको बता दी, 13 फीट है और हाँ ये चांदी से इसे उकेरा गया है ना, ये भी आप चाहो तो लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोलर एनर्जी बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, चेतन सोलंकी, चेतन भगत, विट शैगल या महेश शर्मा, बताओ। सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ए और बी और सी, ए कौन है, चेतन सोलंकी, बी है चेतन, चेतन भगत कैसे हो सकता है यार, ये तो मत लगाओ, मतलब शर्म कर लो, किताब लिखने वाला व्यक्ति है ये, इसे क्यों बनाएंगे, इसने ऐसा क्या कर लिया, बी कैसे होगा यार, चेतन भगत लगा रहे हो तुम लोग, गजबा कर रहे हो, गजब। चलिए आंसर क्या है, आंसर है चेतन सोलंकी। अब जिन्हें नहीं पता है लिख लेना, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सोलार गांधी, सौर गांधी कहा जाता है इन्हें, सोलार गांधी कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, सोलार मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप समझ में आया क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा मध्य भारत का सोलार मैन किसे कहा जाता है, जैसे आप पढ़ते हो ना भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, वैसे ही पूछ लेंगे वो इन्होंने सोलार मैन ऑफ इंडिया, तो क्या लगाओगे आंसर, चेतन भगत, नहीं आंसर क्या है, चेतन सोलंकी। इनके द्वारा बहुत सारे सोलार पंपों का वितरण किया गया है, इन्होंने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है कि भाई आप सोलार का उपयोग करिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करिए, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनसे प्रेरणा पाते हुए इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, किस चीज का, सौर ऊर्जा का बना दिया है। तो विशेष विशेष तौर से इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें ही क्या कहा जाता है, सोलार गांधी कहा जाता है, इन्हें ही सोलार मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स, है ना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको नहीं पता है तो लिखते चलना भाई, इससे ज्यादा मेहनत क्या ही चाहोगे आप, है ना, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि आपको करंट अफेयर में मैं ऐसी ऐसी चीजें पॉइंट कर रहा हूं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिख सकती है या इसी के आसपास क्वेश्चन घूमता हुआ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो 7.5 मिलियन फैमिलीज को अभी तक ये सोलार पंप जो है, लैंप जो है वो प्रोवाइड करा चुके हैं, तो कितनी बड़ी बात है, 7.5 मिलियन कितना होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब थोड़ा सा कहानी शायद बदल रही है, हाँ अब हिस्ट्री पे आ गए हम। उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर है, उज्जैन इज द मोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, उज्जैनी की ऐतिहासिक जानकारी गढ़कालिका स्तूप से प्राप्त होती है, द हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ उज्जैन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गढ़कालिका स्तूप, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर इन उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, उज्जैन इज नोन एज द संस्कार कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन तो बड़ा लड्डू है, बड़ा सिंपल सा है, देखोगे पढ़ोगे समझोगे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अरे गणेश भाई नहीं, सही नहीं है बताना है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही है और शिप्रा नदी पर ही है, इसमें तो क्या ही कंफ्यूजन होगा। चलो ये बिल्कुल सही जवाब, आंसर लगाया आपने कि उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, ये गलत है। तो क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को, उज्जैन को क्या कहा जाता है, उज्जैन को अगर संस्कार राजधानी नहीं कहा जाता तो क्या कहा जाता है ये बता दो। हाँ इसे क्या कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, उज्जैन को कहा जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ धार्मिक नगरी आप कह सकते हो, है ना, बिल्कुल कह सकते हो, धार्मिक नगरी भी कह सकते हो, सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हो, धार्मिक राजधानी भी कह सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, भारत की सबसे पुराना शहर, जैसे हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर उज्जैन है, अगर भारत का आ जाए कि भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है तो क्या लगाओगे आंसर,
भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही है ना। अगर आपसे वो पूछा जाए तो लगाना काशी वाराणसी है ना, काशी लगाओ वाराणसी लगाओ, ये सही जवाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, तो ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय महू की छावनी में क्रांति के दौरान महू में तैनात ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ ब्रिटिश कमांडर पोस्टेड एट महू ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन एट कैंटनमेंट ऑफ महू एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? मेजर हैरिस, कमांडर हंगरफोर्ड, एडजुटेंट फेजर या आरी होम्स? अरे ये होम्स है, घरों नहीं है, होम्स जैसे शर्लॉक होम्स है ना, वो वाला होम्स है। बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तार हिलाने वाला क्वेश्चन है, ये तार हिलाएगा आपके। अरे क्या बात है, ऐसे चल रही है कहानी, आज तो जनता पढ़ के आई है साहब, मजा आ गया। चलिए, लगभग कमांडर हैंगर, चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनका आंसर भी कमांडर हैंगर फोर्ड है, बिल्कुल सही है ना। आंसर क्या है? कमांडर हैंगर फोर्ड जो है वो महू में हुआ करते थे, उनको अपॉइंट किया गया था। महू में क्रांति कब हुई थी, ये डेट भी याद रख लेना, ये डेट पूछी जाती है, मैंने भी आपसे पूछी है, 28-29 जून 1857 को महू में हुई थी। याद करो, मैंने आपसे पूछा था कि भाई इनको बताओ, इनमें से सही जोड़ी मिलाओ, नीमच में कब हुई, इंदौर में कब हुई, भोपाल में कब हुई, सीहोर में कब हुई, एक क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ। तो मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति को विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ के जाइएगा, डेट वाइज भी पता होना चाहिए, कौन अंग्रेज कहाँ से लीड कर रहा था वो आपको पता होना चाहिए, और कौन भारतीय कहाँ से लीड कर रहा था वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 28-29 जून 1857 को महू से क्रांति का बिगुल बजा था, और इसको रोकने के लिए किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था? कमांडर हंगर फोर्ड को अपॉइंट किया गया था। नहीं पता है तो लिखते चलिएगा, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज सैयद हैदर रजा? इनके बारे में पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। द फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश बॉर्न बाबरिया, नरसिंहपुर, अलोट, देवास, भानपुरा, मंदसौर या पिपरिया, होशंगाबाद? आपको बताना है कि भाई जन्म जो है वो कहाँ हुआ है सैयद हैदर रजा का। ये तो सबसे बन जाएगा, ये तो अभी ताजा ताजा नवा नवा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। भाई जिनको भी पढ़ना है, एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस चल रही है, बहुत सारी अद्भुत चीजें, नई नई चीजें, और डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम्स पास में है, उनको देख लेना, बहुत काम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल सही जवाब, बाबरिया नरसिंहपुर है ना, बाबरिया नरसिंहपुर में जन्म हुआ किसका? सैयद हैदर रजा साहब का। कब हुआ? 1922 में, 1922 में इनका जन्म हुआ था। किसका? सैयद हैदर रजा साहब का। क्या है? तो सैयद हैदर रजा साहब पेंटर है, चित्रकला जो है उससे संबंधित है, चित्रकार है। तो याद रखेंगे 1922 में सैयद हैदर रजा साहब का जन्म हुआ कहां पर? नरसिंहपुर जिले के बाबरिया में। अब आपको इससे एक चीज समझ में आई क्या? इसमें वो हो सकता है जिला ना पूछ के गांव ही पूछ ले, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, पर हम पीएससी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट जिला पूछेगा। तो ध्यान रखना, नरसिंहपुर में सैयद हैदर रजा साहब का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम जनजाति आबादी रहती है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द लीस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्यापम के द्वारा पूछा गया। उज्जैन, भिंड, दतिया या सीहोर? सर आपने इतना अच्छे से पढ़ाया सब याद हो गया, बहुत ही बढ़िया। सर एमपी जी के बैच स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया है? भक्ति जी आप ज्वाइन कर लो, उसको तो टाइम हो चुका है, बट आपको सब मिल जाएगा, सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ए बी सी? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या धुआं धुआंकेदार रिविजन चल रहा है भाई साहब। भाई और बहनों विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ट्राइब और सेंसस इनसे नहीं निकलते हुए तीन क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे ही आएंगे, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। जहां पर एक तरफ हम लोग आपके लिए कोशिशों में लगे हुए हैं कि आपका एक नंबर भी, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, एक क्वेश्चन की भी हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, और आप अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो काम जामवंत जी ने किया था वो काम मैं कर देता हूँ, आपको आपकी शक्तियों का एहसास दिला देता हूँ कि ये वाला जो पीछे मेरे टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक से तीन क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे ट्राइब और सेंसस से मिलाकर, और तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना।
ठीक है, आप अनअकैडमी पर जाइए, अनअकैडमी पर स्टोर ऑप्शन है, या लास्ट तक रुकिए, लास्ट में मैं बताऊंगा, स्टोर ऑप्शन है उस पर आपको मिल जाएगा मेरा कोर्स। हाँ भाई, सबसे कम जनजाति पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? आंसर क्या है? आंसर है भिंड। भिंड जिले में आपको सबसे कम आपको क्या देखने को मिलेगी? जनजाति पॉपुलेशन मिलेगी। देखो यहाँ पर कुछ मेंशन किया क्या कि वो पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, वो पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं किया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भिंड। कितनी है? 0.4% है। आपको मैंने सेंसस जनगणना वाले टॉपिक में अलग से नोट डाल के लिखवाया है कि ये चीज को ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये आ रहा है लीस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? भिंड लगाना है। और फिर जब शेड्यूल कास्ट का आएगा, शेड्यूल ट्राइब का आएगा, तब जाकर कहानी बदल जाएगी। तो इनका विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये छोटे छोटे से तो पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट को ना वन लाइनर के फॉर्म में लिख लो, एग्जाम के 3 दिन पहले इनको एक बार रिवाइज कर लेना, आप देखोगे आपका एग्जाम अच्छा निकल गया। सही कह रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की राज्यों की सीमाओं को छूता है? ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, बताओ भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द स्टेट बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़? अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। चलो ये 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 होना चाहिए, पता है आंसर। टीचर की एनर्जी कब बढ़ती है? जब बच्चे इस स्पीड का आंसर देते हैं, बिल्कुल गोली की रफ्तार से आंसर आया, बिल्कुल सही जवाब, बालाघाट ऐसा जिला है। अभी बताया था बालाघाट, चिन्नौर, चावल, जीआई टैग, सारी कहानी बताई थी। तब मैंने कहा भी था कि भाई एक तरफ महाराष्ट्र एक तरफ छत्तीसगढ़, कहाँ है ये देखो, ये रहा बालाघाट, है ना, ये रहा बालाघाट, बालाघाट में ये छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है, और ये देखो इधर से ये वाली बाउंड्री आ गई छत्तीसगढ़ की, ये वाली बाउंड्री आ गई किसकी? महाराष्ट्र की। ठीक है, इसी को चिन्नौर चावल के लिए मिल गया, यहीं पर आपको माइंस देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहां का मिल जाएगा? ये साउथ ईस्टर्न पार्ट का सबसे हमारा कोने वाला जिला जो है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हाथी से बनी चंदेरी, हाथ से बनी चंदेरी साड़ी किस जिले से संबंधित है? फेमस हैंड वूवन चंदेरी साड़ी इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? इतना महालड्डू क्वेश्चन है, चंदेरी, गुना, शिवपुरी या अशोकनगर? ए बी डी ऐसे ऐसे आ रहे ऑप्शन। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना जब तक नहीं सीखोगे जब तक कैसे होगा काम, खुद सोचो। अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, लंबी गहरी सांस लो और क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। पूछा है, प्रसिद्ध हाथ से बनी चंदेरी साड़ी किस जिले में स्थित है? चंदेरी क्या कोई जिला है? चंदेरी क्या कोई जिला है? तो चंदेरी तो सर जिला ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना। आंसर क्या है? आंसर है अशोकनगर जिले में चंदेरी आता है, बस आंसर ये हो गया। समझ रहे हो कितना लड्डू सा क्वेश्चन है, कितना लड्डू सा क्वेश्चन है, लेकिन आप नर्वस हुए, है ना। क्यों नर्वस हुए? क्योंकि प्रेशर फील होता, सोचो यहां पर हो रहा तो एग्जाम में कितना होगा। इसीलिए ध्यान से शांति से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, प्रोसेस होने दीजिए, फिर आंसर लगाइए। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है और होता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 85 स्कोर किया पिछले बार के प्रीलिम्स में, और गलत क्वेश्चन क्या लगा क्या है पता है? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? बोले सर इतना टेंशन था, समझ सूझ नहीं पड़ रही थी, गलत मार्क कर दिया। तो ये नहीं करना है अपने को, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपका खून नहीं खोला तो ये पानी है जो आपकी रगों में बहता है, ये प्रसिद्ध कथन इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? इफ येट योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज वॉटर दैट फ्लोज इन योर वेन्स, हु सेड दिस फेमस स्टेटमेंट? ये कथन किसने कहा? रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, यशवंत राव होलकर या चंद्रशेखर आजाद? हाँ, यहां गलती कर लो, वहां नहीं होनी चाहिए। चलिए डी सी, दो ऑप्शन चल रहे हैं, दो ऑप्शन चल रहे हैं डी और सी, बताओ भाई किसने कही इतनी बड़ी बात। चलिए आंसर क्या है बेटा? आंसर है डी, ये तो महालड्डू क्वेश्चन था यार, चंद्रशेखर आजाद साहब के द्वारा ही कहा जाएगा। यशवंतराव होलकर क्यों कहेंगे? यशवंतराव होलकर कोई 1857 की क्रांति थोड़ी लड़ रहे हैं, ये तो थे ही नहीं 1857 की क्रांति में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ये भी नहीं लड़ रहे 1857 क्रांति, लेकिन इनके द्वारा ये क्रांतिकारी थे, तात्या टोपे, रानी दुर्गावती, इनकी कहानी अलग, चंद्रशेखर आजाद की कहानी बिल्कुल अलग। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद तिवारी इनका पूरा नाम था। कहां से थे? तो ये भवरा नामक जगह से थे। कहां से? भवरा नामक जगह से थे।
और अलीराजपुर जिले में ये आता है, कहां पर? अलीराजपुर जिले में ये आता है, ठीक है। इनकी डेथ कहाँ हुई? तो इनकी डेथ उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में पहले एक पार्क था जिसे एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, तो वो एल्फ्रेड पार्क में इनकी डेथ हो गई थी, ये शहीद हो गए थे, जिसी का नाम बदलकर आज चंद्रशेखर आजाद पार्क जो है वो कर दिया है, ठीक है। इनके द्वारा एक से एक कथन जो है वो कहे गए हैं, एक से एक कथन जो है वो कहे गए हैं। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया था कि भाई मेरा नाम जो है वो आजाद है ना, मेरा घर जो है वो जेल है, ये स्टेटमेंट इनके द्वारा ही दिए गए हैं, क्लियर। फिर इन्होंने बीच में छतरपुर के जंगलों में ट्रेनिंग दी थी छुप के, काकोरी कांड के बाद में, तब इन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित कर, बाबा ब्रह्मचारी घोषित कर दिया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है व्यापम का, विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। कौन सी है जो पीवीटीजी में नहीं आती? बैगा, सहरिया, कोल या भारिया? ये तो बनना चाहिए, सभी से बनना चाहिए, महालड्डू क्वेश्चन है ये तो। चलिए बिल्कुल सही, आंसर क्या है? आंसर है कोल जनजाति। आंसर क्या है? कोल जनजाति। बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति जो है ये पीवीटीजी में आती है। टोटल मिलाकर जब आपसे पूछा जाए भारत में कितनी पीवीटीजी ट्राइब है ना, तो भारत में 75 है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। मतलब पिछड़ों में भी पिछड़े वाली जनजाति जो है वो क्या है? पीवीटीजी है, मतलब जिनकी शिक्षा बहुत कम है, फिर जिनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, उन सबको शामिल किया जाता है इसमें, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियां हैं? 3 है। भारत की टोटल कितनी है? 75। मध्य प्रदेश की जो 3 है, बैगा है, सहरिया है और भारिया है, ये तीनों जनजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ एक और गुड न्यूज देता हूँ आपको, एक और गुड न्यूज देता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आज आखिरी दिन है जब आपको 1 साल पर 1 साल का फ्री और 6 महीने पर 3 महीने वाला फ्री वाला ऑफर मिल रहा है। गुड न्यूज ये है कि 1 मई से है ना, 1 मई से, हाँ 1 मई से हम एक और कोर्स चालू कर रहे हैं जो कि रहेगा MCQ कोर्स, जिसमें MPG के जो आपकी यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, ये तीनों के MCQ मैं कराऊंगा आपको 20 दिन तक, मतलब आपके पेपर के 1 दिन पहले तक कराऊंगा, दो दो घंटे एक साथ MCQ कराऊंगा। तो आप सोचो कितने क्वेश्चन कर लोगे आप, और जितने करा चुका हूं ना इनके अलावा ही कराऊंगा, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप मेरे देखते जा रहे हो तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 3,000 क्वेश्चन के करीब, और फिर वहां पर मैं आपको करा दूंगा 1,000 क्वेश्चन के करीब, मतलब आपको MPGK में पूर्ण रिविजन मेरे द्वारा हो जाएगा। बस आप जितना पढ़ रहे हो, जितना मेरे साथ में, बस उसका एक एक बार रिविजन करते चलो, आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अनअकैडमी के प्लस पर, अनअकैडमी के प्लस पर दो दो घंटे के मैं सेशन लेके आऊंगा, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार आपकी क्लासेस जो है वो चलेंगी, जिसमें यूनिट नंबर 1, 3, 5 तीनों का रिविजन मैं कराते चलूंगा आपको, और यही विद एक्सप्लेनेशन हर चीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ महालड्डू क्वेश्चन है भाई, महालड्डू। माता टीला डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश? नर्मदा, चंबल, सोन या बेतवा? बताओ। चलिए बिल्कुल सही, आंसर क्या है? माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा, माता टीला बांध। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है जिसे माता टीला बांध कहा जाता है। ये कब चालू हुई थी? 1958 की परियोजना है, 1958 की परियोजना है माता टीला की। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये जल क्रीड़ा के लिए भी फेमस है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं, है ना, जल क्रीड़ा भी कराई जाती है, वाटर स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं, तो इसीलिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमस है माता टीला। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, कई बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जॉर्ज कैसल का निर्माण करवाया? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, कि हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट जॉर्ज कैसल लोकेटेड इन माधव नेशनल पार्क? जीवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, ताराबाई राजे सिंधिया या दौलत राव सिंधिया? बताइए, आपको बताना है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जॉर्ज कैसल का निर्माण किसने करवाया।
ए ए कौन है? जीवाजी। डी डी कौन है? दौलत राव सिंधिया। बहुत बढ़िया। सर प्लस पर सब्सक्राइब लेने पर एक एजुकेटर सब नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, नहीं नहीं करते हो, आपको 15 टीचर मिलेंगे और 15 टीचर के आप कोई से भी सब्जेक्ट देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से आपको पढ़ने को रहेगा, आप किसी की भी क्लास देख सकते हो, कोई सी भी क्लास देख सकते हो। पुरानी देखो, नई देखो, 1 साल पुरानी देख लो, कोई सी भी क्लास, कोई से भी सब्जेक्ट की क्लास देख सकते हो। वो तो बस ऑप्शन दिया गया है कि भाई आपको जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप पढ़ ले। चलिए बिल्कुल सही आंसर क्या है? जीवाजी राव सिंधिया आंसर क्या है? जिसको नहीं पता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जॉर्ज कैसल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जीवाजी राव सिंधिया जो है, इन्होंने जॉर्ज कैसल का निर्माण जो है वो कब करवाया था? तो 1911 में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा, जॉर्ज कैसल, नाम ही जॉर्ज आ रहा है, मतलब भाई कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा होगा, विदेशी व्यक्ति आ रहा होगा, तो कौन आ रहा था ये नाम भी ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति है शिकार के लिए आ रहा था जिसका नाम था किंग जॉर्ज पंचम, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, किंग जॉर्ज पंचम, है ना, ये याद रखना। ये इसमें घुमा देंगे, वो पांचवा था, तीसरा था, छठवा था, ऐसे। तो किंग जॉर्ज पंचम जो है वो शिकार खेलने के लिए आ रहा था और माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही आ रहा था, तो इसके लिए ही जॉर्ज कैसल का निर्माण किसने करवाया? जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये चीज का विशेष विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना, दोनों तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कैसा दिखता है गार्डन वो दिखा दूं थोड़ा आपको, ये देखो, ये इस ये है जिसको हम कहते हैं जॉर्ज कैसल, नाम भी लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। अच्छा हाँ एक और चीज, बहुत अच्छी चीज याद आई है, आज रात में 8 बजे एक और आपकी YouTube की क्लास रहेगी। ये रात में होनी थी पर हो नहीं पाई थी, तो आज इसको मतलब ये अभी कर ली है। रात में 8 बजे एक और क्लास रहेगी जिसमें MPGK के MCQ हम करेंगे, तो वो भी देख लेना। कल दोपहर में 1 बजे एक महामैराथन में लेके आया हूँ जिसमें आपको 6 घंटे कराए जाएंगे MCQ, वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कर लेना, कुछ बेहतरीन करने वाले हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तुलसी सम्मान शुरू किया था? इन विच ईयर तुलसी सम्मान वॉज स्टार्टेड बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? 1984, 85, 81, 83, बताओ। आपको बताना है तुलसी सम्मान, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सम्मान ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे अवार्ड अभी आपको अनअकैडमी पर थोड़े दिन पहले ही पढ़ाए हैं, इसमें तो गलत करना ही मत। चलिए बिल्कुल सही लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही जवाब, 1983। अच्छा किसके सम्मान में दिया जाता है? तुलसी सम्मान, है ना, तो तुलसीदास जी के सम्मान में दिया जाता है ना, तुलसीदास जी के सम्मान। अच्छा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तुलसीदास जी के द्वारा क्या लिखा गया है? एक एपिक, एक जबरदस्त चीज इनके द्वारा लिखी गई है। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? अभी बहुत वाद विवाद की स्थिति भी बन गई थी कि ये कहा उन्होंने तो ये लिखा उन्होंने, तो बड़ी समस्या वाली चीज बन गई थी। क्या लिखा गया है तुलसीदास जी ने? बिल्कुल सही, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर तक कनेक्ट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन का ध्यान रखना। चलिए अब इसको किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो इसको थिएटर में दिया जाता है, आर्ट में, मतलब नाट्य में, कला में, नृत्य में, संगीत में, इन सभी में दिया जाता है। पर किसको दिया जाता है? तो ये मिलता है ट्रेडिशनल या ट्राइबल फोक आर्ट जो है उसमें दिया जाता है, और मतलब पारंपरिक और जो जनजाति वाले हैं, लोक कला जो संबंधित है उनमें दिया जाता है, और इन चारों कलाओं में दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बुद्ध जम्बूदीप पार्क की स्थापना करी गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट बुद्ध जम्बूदीप पार्क सेटअप इन रिसेंटली? भोपाल, इंदौर, रायसेन या विदिशा? ये अभी पटवारी में अभी पूछा गया, रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, रिसेंट में बताओ। जम्बूदीप पार्क की स्थापना जो है वो कहाँ करी गई है? बहुत लड्डू क्वेश्चन है यार ये तो। बिल्कुल सही, कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही, रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा, है ना, भोपाल मत लगा देना इसमें, याद रखिएगा, रायसेन जिले में आपको जम्बूदीप पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी चीजें, है ना, गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी, प्लस अशोक से रिलेटेड चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, है ना। और ये पार्क आपको जम्बूदीप पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? तो जो रायसेन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो
मुख्य कार्यालय बना हुआ है उसी के सामने जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। करीबन 17 करोड़ लागत से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, 17 या 25 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, जम्बूदीप पार्क को बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये 25 करोड़ की लागत से बन रहा है, 17 एकड़ भूमि पर बन रहा है और बना कौन रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस स्थान पर भारत की पहली हॉट एयर सफारी का शुभारंभ किया। ये भी अभी पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी PYQ है। अब हाल ही में तो नहीं बचा, ये पुराना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आया। इन विच प्लेस मध्य प्रदेश रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी ऑफ इंडिया। हनुवंतिया टापू, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ACAA। चलिए लाइक बटन नहीं दबा तो लाइक बटन दबाओ यार। ये भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी है, भारत की पहली है ना, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगी। ABC। ए क्या है? हनुवंतिया। बी है बांधवगढ़। सी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आंसर क्या है? आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आंसर क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपको ये देखने को मिलेगी क्या, हॉट एयर बलून सफारी। ये मुझे भी करनी है यार, आपका प्रीलिम्स हो जाए फिर चलते हैं। देखो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, है ना, और ये कुछ ऐसा है कि आप जंगल में रहेंगे, है ना, बिल्कुल प्रकृति की गोद में रहेंगे और ये ऐसा बलून जो है वहाँ उड़ रहा होगा, आप यहाँ टंगे हुए होंगे और आप बढ़िया बढ़िया नज़ारे जो है सतपुड़ा पर्वत के सब जगह के ले सकते हैं, है ना। तो बढ़िया प्रीलिम्स निकालो फिर चलते हैं अपन। क्लियर? तो ये है भाई बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून सफारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्नूकर जो सबसे लोकप्रिय खेलों में शुमार है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है, ये मैंने एक एक चीज पढ़ाई हुई है सबसे बड़ी बात, है ना। बैडमिंटन की कहाँ से हुई, स्नूकर की कहाँ से हुई, सारी बताई है। स्नूकर विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम डैश भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। बताओ भाई स्नूकर खेल की उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? आंसर है जबलपुर। आंसर क्या है? जबलपुर से उत्पत्ति हुई है, है ना, जबलपुर से उत्पत्ति हुई है। जबलपुर में ये कब की बात है, स्नूकर खेल कब चालू हुआ, तो 1875 में चालू हुआ, है ना, 1875 में चालू हुआ। एक बंदा था जिसका नाम था नेवाइल फ्रांसिस, इसने दिमाग लगाया और इसके द्वारा इस खेल को जो है जनक माना जाता है शुरू किया गया कि भाई ऐसा कुछ खेल बनाना चाहिए, डंडा रहना चाहिए, एक गेंद रहनी चाहिए, गड्ढे होने चाहिए उसमें, कर दो है ना, डाल दो बॉल को, बस ये जो है ऐसे करके स्नूकर खेल की शुरुआत मेरे हिसाब से हुई होगी 1875 में हुई होगी, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई स्नूकर खेल की शुरुआत कहाँ हुई, बैडमिंटन की कहाँ हुई, मलखंब की कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्पोर्ट्स में पढ़ा चुका हूँ, स्पोर्ट्स का जो कोर्स है मेरा उसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अंग्रेज व्यक्ति था नेवाइल फ्रांसिस, उसके द्वारा करी गई, इसका पूरा नाम था नेवाइल फ्रांसिस फिट्ज़गेराल्ड, ये इसका पूरा नाम था, जो लेफ्टिनेंट हुआ करता था 1875 में, इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी, ठीक है। चलिए चलिए, अब MPGK का भाई कोर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सिर्फ 299 रुपीज में कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आप ये कोड लगाओगे और सस्ता हो जाएगा। 120 से ज्यादा घंटे की क्लास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगी। फिर इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो ये भी मात्र 399 में, इसमें भी ये कोड लगाओगे एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। 120 से ज्यादा की क्लास इसमें भी आपको मिलेगी और एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। अब ये मिलेगा कहाँ, तो ये कोर्स आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अब कहाँ दिखाई देगा, तो आप अनअकैडमी का ऐप खोलोगे, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, तीसरे नंबर पर स्टोर, इसी स्टोर में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्लास के बाद याद से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली मुलाकात आज ही होगी रात में 8 बजे, आज एक और खेल बाकी है, आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे MPGK प्लस MP करंट अफेयर MCQs भाग 18, ठीक है। सर हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, चलो ठीक है, मेरी तरफ से दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से मेरे दोस्त। सर आज MP आर्ट एंड कल्चर, हाँ MP आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी क्लास जो है वो अब मैं करूँगा संडे या मंडे से, ठीक है, अभी 2 दिन नहीं करूँगा।
चलिए तो शाम को 8 बजे मिलेंगे हम अनअकैडमी यूट्यूब पर एमपीजीके का एमसीक्यू का अगला सेशन लेकर, पार्ट नंबर 18 लेकर, उसमें भी स्कीम्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन उसमें इंसर्ट करे हैं। शाम वाली क्लास में तो बिल्कुल है ना भोकाल वाली क्लास रहेगी 8 बजे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बना चुका हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत मजा आएगा आपको। शाम को आओ, आपको मैं कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है। तो सर मॉडल से क्या आगेगी, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।